In today's class, we will learn shawl collar coat set. तो सबसे पहले मेजरमेंट्स देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे ये फोटो दिखाई दे रही है, ये हम सीखने वाले हैं. वी विल लर्न दिस टाइप ऑफ शॉल कॉलर कोवर्ट सेट. इस तरह का शॉल कॉलर कोवर्ट सेट सीखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से कॉलर है यहाँ पे. ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इजी तरीके से एंड विदाउट लाइनिंग, और लाइनिंग के साथ भी बना सकते हैं. यू कैन मेक दिस विथ लाइनिंग एंड विदाउट लाइनिंग. अस्तर बिना अस्तर दोनों तरह से बना सकते हैं. हम बिना अस्तर के बनाएंगे क्योंकि हमारा फैब्रिक मोटा है, लेकिन आप चाहो तो अस्तर के साथ भी बना सकते हैं. तभी देखो मैं यहाँ पे मेजरमेंट की लिस्ट लिख रही हूँ. सबसे पहले हमारे शर्ट टॉप लेंथ, यानी शर्ट लेंथ भी लिख सकते हैं हम टॉप लेंथ, एंड बाकी सारे हमारे रेगुलर मेजरमेंट रहेंगे. चेस्ट, वेस्ट, वेस्ट लेंथ, शोल्डर, फ्रंट विड्थ, स्लीव्स लेंथ, स्लीव राउंड. तो चलो मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम टॉप की लेंथ लेंगे. तो शोल्डर से हमें जहाँ तक हमें चाहिए, जैसे कि ये हाथ है, इस हाथ के यहाँ तक हमें चाहिए, राइट? वी वॉन्ट टिल मिडल ऑफ आवर हैंड. आई विल टेक टिल द सेम पॉइंट्स. ठीक है, सेम पॉइंट से मैं ले लूँगी. पहले के बाजू में इंच टेप रखेंगे और जहाँ तक हमें चाहिए, यानी कि हमें हमारी हथेली के पाम के सेंटर तक चाहिए, 26. अभी हम लेंगे चेस्ट, 34. वेस्ट हल्का सा लूज लेंगे, 27. लूजिंग हमारी बाद में ऐड होगी तो ज़्यादा लूज नहीं लेना. उसके बाद टॉप लेंथ राउंड, जहाँ तक टॉप लेंथ ली उस वहाँ से राउंड लेंगे, टॉप लेंथ राउंड 36. उसके बाद हम लेंगे वेस्ट लेंथ, जहाँ तक हमें वेस्ट राउंड लिया, फ्रॉम द सेम पॉइंट टिल वी आर टेकन वेस्ट राउंड. जहाँ तक वेस्ट राउंड लिया वहाँ तक हम वेस्ट लेंथ लेंगे, 3 to 4 फिंगर डाउन साइड फ्रॉम अंडर बस्ट एरिया, सो 14 इंचेस. 1 फिंगर टू सेकेंड फिंगर वेस्ट लेंथ. शोल्डर मेजरमेंट, इसमें हम थोड़ा बड़ा ही शोल्डर लेंगे. माई 1 फिंगर टू सेकेंड फिंगर इज माई शोल्डर मेजरमेंट. क्लियर? सो कितना आ रहा है, 14. तो यहाँ पे हम फुल शोल्डर लेंगे, ज़्यादा ही ले लेंगे. उसके बाद फ्रंट विड्थ भी हम फुल ले लेंगे, हल्के से लूज. ठीक है, सो मेरा इस बार फ्रंट विड्थ आ रहा है 12. स्लीव लेंथ मेजरमेंट, फ्रॉम शोल्डर टू रिस्ट, शोल्डर से पूरा जहाँ तक चाहिए हम वहाँ तक ले लेंगे, सो 22 आ रहा है. 22 एंड स्लीव लेंथ 22 फुल. एल्बो लेंथ 11. शॉर्ट लेंथ 5. 22 वाला राउंड मेजर करेंगे, मेजर 22 राउंड, 22 लेंथ 8 इंचेस. 11 राउंड, 11 वाला राउंड मेजर करेंगे, 9 / 5 इंच वाला राउंड मेजर करेंगे. तो तीन टाइप का यहाँ पे हमें राउंड मेजरमेंट चाहिए, एक शॉर्ट स्लीव, एल्बो लेंथ एंड फुल लेंथ 11. समझ में आ गया? 22 पे 8, 11 पे 9, 5 पे 11. तो पहले हम टॉप लेंथ ले लेंगे 26 प्लस 1.5 इंचेस मार्जिन ए टू बी. लेट्स क्रिएट बेस लाइन. ये टेढ़ा मेढ़ा होता है इसलिए हम बेस लाइन बनाते हैं.
पहले हम इसको सीधा कट करते हैं। अब हम सारी मार्किंग करते हैं। ए टू बी लेंथ प्लस 1.5 इंचेस, ए टू सी आर्म होल लेंथ। तो इसमें हम आर्म होल लेंथ थोड़ी बड़ी लेंगे, हाफ इंच बड़ी जो नॉर्मल से होता है। सो आर्म होल लेंथ 30-32 चेस्ट, 8-7.5, 34-36 8 इंचेस, 38-40 8.5, 42-44 9 इंचेस, 46-48 9.5, लाइक दिस। सो आई हैड मार्क्ड 8 इंचेस, मैंने 8 इंच मार्क किया 34 के हिसाब से। और यहाँ से हम वेस्ट लेंथ लेंगे, वेस्ट लेंथ प्लस हाफ इंचेस, ठीक है। देन टॉप लेंथ हमारी ऑलरेडी मार्क्ड है, स्ट्रेट मार्किंग ऑल मार्क, एक्सटेंड ऑल द पॉइंट्स। इस कोड सेट में सिर्फ यूनिक ये है कि हम कॉलर सीखने वाले हैं बस, बाकी सब तो नॉर्मल ही है। एल शेप की स्केल हमें इसलिए यूज़ करनी होती है हमेशा, वी हैव टू यूज़ ऑलवेज एल शेप स्केल। चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, बॉटम लाइन, शोल्डर लाइन। चेस्ट लाइन, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंचेस मार्जिन एंड लूजिंग, 8.5 प्लस 2 इंचेस मार्जिन। इन हैवी साइज यू कैन टेक 2.5 आल्सो, मोर देन 44 चेस्ट। अगर आपकी चेस्ट 44 से ज़्यादा है तो आप 2.5 भी जोड़ सकते हो। वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंचेस, 6.75 प्लस 2 इंच। बॉटम राउंड 36 डिवाइड बाय 4 9 प्लस 2 इंचेस लूजिंग मार्जिन। शोल्डर हाफ प्लस हाफ इंचेस मार्जिन। शोल्डर मेजरमेंट कितना है, 14 डिवाइड बाय 2 7 प्लस हाफ 7.5 हियर। वन इंचेस शोल्डर डाउन, चेस्ट विड्थ डिवाइड बाय 2.75। नॉट मार्क नॉट मोर देन 3 इंच, 3 इंच से ज़्यादा मार्क नहीं करना। इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे और सेंटर पॉइंट बनाएंगे एंड बैक आर्मोल ड्रॉ करेंगे। सेंटर एंड बैक आर्मोल मैच टू ऑफ पॉइंट्स, बैक आर्मोल इसमें मैच नहीं करना, इसमें मैच करना है, ठीक है। तो बैक के पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, अब हम बैक में डार्ट्स भी रखने वाले हैं। तो डार्ट के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं, डार्ट के लिए हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। इसको हम यूज़ करेंगे इस तरह, देखो यहाँ से बाहर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सीधा लाइन खींच, तो ऐसे होना चाहिए यहाँ तक स्ट्रेट, उसके बाद ऐसा शेप। आप चाहो तो हिप लेंथ एंड हिप राउंड मेजरमेंट यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ सीट लेंथ एंड सीट राउंड मेजरमेंट। अब हम डार्ट्स के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। तो डार्ट्स के लिए आपको क्या करना है, डार्ट के लिए आपको 1 इंच एक्सटेंड करना है। फॉर डार्ट एक्सटेंड 1 इंच, डार्ट के लिए 1 इंच बढ़ा दिया। अभी हम डार्ट के लिए इसका सेंटर करेंगे, लेट्स मार्क सेंटर ऑफ दिस, स्किप द मार्जिन, मार्जिन को छोड़ के हम इसका सेंटर करेंगे।
सेंटर से स्ट्रेट लाइन, वन इंच डार्ट, वन इंच डाउन साइड, यहाँ से आप 8 inches जितने तक डार्ट्स लगा सकते हो, टिल द 8 inches यू कैन ऐड डार्ट। बैक मार्किंग हमारी हो चुकी है, अभी हम फ्रंट मार्किंग करते हैं। पहले ये कट कर लेते हैं। बैक में हमारा नॉर्मल है, कुछ भी अलग नहीं है, 1/2 inches बैक नेक ले लेंगे, ये हमारी बैक है। चलो इसको काट लेते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर? ये तो एकदम इजी था, बेसिक वाला जो हमने बेसिक मास्टरी में सीख लिया था वही था ये सब। शोल्डर 7.5 तो है ना। अब ब्लाउज कोर्स करने के बाद इसमें मार्जिन लेना भूलना नहीं है मेरी तरह। ब्लाउज कोर्स में हमने मार्जिन नहीं लिया था, तो कुर्ती और ये सब बनाते वक्त मार्जिन लेना है। किस किस को ब्लाउज कोर्स करने के बाद बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मार्जिन में, और मुझे ब्लाउज कोर्स करवाने के बाद मार्जिन में कंफ्यूजन हो रहा है। चलो बैक की मार्किंग हो गई, अभी फ्रंट की हम शॉल कॉलर सीखेंगे कि फ्रंट में शॉल कॉलर कैसे बनाना है। लेट्स ट्रेस दिस, इसको ट्रेस कर लेते हैं। ऊपर से हमें 5 to 6 inches जितना गैप चाहिए। इस तरह हम ट्रेस करेंगे, आप वापस से ड्राइंग भी कर सकते हो। चलो मार्किंग कंप्लीट। अब हम इसका सेंटर बना लेते हैं, फ्रंट विड्थ का। बैक और फ्रंट में हमारा क्या चेंजेस होता है आर्म होल्स का? फ्रंट विड्थ मार्किंग, फ्रंट विड्थ डिवाइड बाय 2 + 1/2 inches, 12 / 2 + 1/2 inches। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मेरे मेजरमेंट में इतने चेंजेस मैंने क्यों लिए। तो फर्स्ट तो यहाँ पे शोल्डर थोड़ा ज़्यादा लेना था, तो फ्रंट वेट भी हल्का ज़्यादा लिया, और चेस्ट मेजरमेंट मैंने नॉर्मल लिया है, कुछ भी ज़्यादा नहीं लिया है। यहाँ से हम 1/2 inch छोड़ेंगे, लीव 1/2 inch एंड मार्क। फ्रंट आर्म होल, तो ये फ्रंट की मार्किंग हो गई। अभी हम शॉल कॉलर देखेंगे। तो जैसे कि शॉल कॉलर की फोटो में हमारा नेक डीप जितना हमें नॉर्मल चाहिए होता है उतना ही डीप है उसके अंदर। हमारा जो शॉल कॉलर का कॉलर है वो ब्लेज़र की तरह नहीं है, इट्स नॉट लुक लाइक ब्लेज़र। इसमें सिर्फ जितना नेक है, नेक डीप है, उतना ही हम नेक डीप रखेंगे, यानी कि 7 to 8 inch, बाकी हमारे बटन्स लग जाएंगे। इट्स 8 to 9 inches डीप, नॉट लाइक ब्लेज़र। शॉल कॉलर के लिए हम 8 inch का नेक रखेंगे यहाँ पे। लेट्स टेक 8.5 inches नेक, ठीक है, 8.5 inches नेक क्रॉस। अभी हम इसको स्ट्रेट मार्क करेंगे, एक्सटेंड 5 inches फ्रॉम हियर स्ट्रेट।
यहाँ से हम लेंगे 3.5 inches अप्रोक्स, ठीक है, मेरा 3.2 आ रहा है तो इट्स ओके एंड मैच लाइक दिस फॉर शॉल कॉलर। अगर आपको ब्लेज़र में यहाँ तक चाहिए तो आपको यहाँ तक करना होगा, ठीक है। अगर किसी को यहाँ तक पूरा चाहिए नीचे तक, तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे और एक्सटेंड करेंगे। अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ, फैब्रिक में मैं यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूँगी क्योंकि हल्का सा कम पड़ी है। बस यही चेंजेस है शॉल कॉलर में, ठीक है। 5 inches, 3.5 5 inch, 8.5 inches नेक। फ्रंट में हम डार्ट्स नहीं रख रहे हैं, आपको डार्ट चाहिए तो आप डार्ट्स रख सकते हो। इन फ्रंट ऑल्सो यू वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट डार्ट यू कैन टेक, बट हम फ्रंट में साइड डार्ट रखते हैं, ठीक है। लेट्स ऐड द साइड डार्ट इन फ्रंट। मार्किंग चेस्ट लेंथ प्लस 1/2 inches चेस्ट विड्थ डिवाइड बाय 2, 3.5, 1.5 फ्रॉम वेस्ट लेंथ अपसाइड। अभी हम साइड डार्ट बना रहे हैं, 30-32 चेस्ट, 0.5 inch, 34-36, 0.75, 38-40, 1 inches, 42-44, 1.5 inch, लाइक दिस, ठीक है। सो इन 34 चेस्ट आई एम गोइंग टू मार्क 0.75 फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ से, ठीक है। ये डार्ट से हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी एंड एक्सटेंडिंग 0.75 inches लेंथ, 0.75 inches लेंथ भी हमारी एक्सटेंड हो जाएगी, क्लियर। जितना आपका साइड डार्ट होगा उतनी आपकी लेंथ एक्सटेंड होगी। हाउ मच इज योर साइड डार्ट, यू हैव टू एक्सटेंड द लेंथ, क्लियर। साइड डार्ट यहाँ से गैप पे होगा, लीव गैप 2 inches एटलीस्ट वाइल स्टिचिंग। 2 inch के गैप में हम साइड डार्ट स्टिच करेंगे, तो ये हमारा पूरा साइड डार्ट है। यू कैन ऐड फ्रंट डार्ट ऑल्सो लाइक दिस। 1 inch यू हैव टू एक्सटेंड फ्रॉम हियर, 1 inch वेस्ट से बढ़ाना है और फ्रंट का डार्ट ऐड कर देना है। यहाँ से हल्का सा इस तरह गोल काटेंगे। तो ये शॉल कॉलर कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये इस तरह से था, अभी ऐसा हो गया।